फेरी ग्राउंड में आती है जहाँ पे कोच जो है कोचिंग करवा रहे होते हैं। यहाँ पे फेरी इनको बोलती है कि आप मुझे कोचिंग करवाएंगे। यहाँ पे कोच साफ तौर पे इनको मना कर देते हैं कि मैं लड़कियों को प्रैक्टिस नहीं कराता। अब फेरी का दिल काफ़ी टूट जाता है और फिर यहाँ पे बोलती है कि मैं अपनी टीम खुद बनाऊंगी और यहाँ पे सबको फिर ये जमा करेंगी और फिर अपनी एक टीम बनाएंगी। फेरी कॉलेज से डायरेक्ट फिर स्टेडियम में जाती है। यहाँ पे जब वो देखती है कि ये वही लड़का है जिसने मुझे लिफ्ट दी थी गाड़ी के अंदर और यहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और यहाँ पे समझ जाती है कि इसको भी काफ़ी इंटरेस्ट है। अब फिर यहाँ पे इनसे रिक्वेस्ट करेंगी कि आप प्लीज़ मुझे एक चांस दे दें, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है, आप मुझे प्लीज़ अपनी कोचिंग में ले लें। यहाँ पे आप अगर मुझे कोचिंग करवाएंगे तो मेरी क्रिकेट और बेहतर हो जाएगी। फेरी घुटने के बल बैठ के इनसे रिक्वेस्ट करेंगी और यहाँ पे फिर जुनैद मान जाएंगे इनकी बात और यहाँ पे फिर इनको प्रैक्टिस करवाएंगे। अब यहीं पे इन दोनों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होना शुरू हो जाएगी क्योंकि दोनों का एक ही इंटरेस्ट है। जुनैद अपने घर आए हैं तो यहीं पे वो अभी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इनको इंजरी हो गई थी और बहुत जल्दी इन्होंने रिकवर भी कर लिया है और ये खुद हैरान है कि मैंने इतनी जल्दी कैसे रिकवर कर लिया है। जब तक ये इस शहर में रहेंगे तो यहाँ पे प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और फिर साथ ही साथ जो है फेरी को भी प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। फेरी के दिल में फिर जुनैद के लिए काफ़ी प्यार पैदा हो जाएगा और यहाँ पे जुनैद की जो कज़न होंगी वो भी इनसे काफ़ी इंटरेस्ट दिखाती है, इनको इनसे शादी करने के लिए प्रपोज भी करती है इनको, लेकिन यहाँ जुनैद साफ तौर पर मना कर देते हैं क्योंकि अभी इनका गोल काफ़ी है क्योंकि इनको पाकिस्तानी टीम के अंदर जाना है। और यहाँ जर्मनी से जो रिश्ता आया हुआ था वो भी हाँ हो चुकी है उस रिश्ते की और यहाँ पे बहन इनकी काफ़ी खुश होती है। अब इनकी शादी भी जल्द से जल्द हो जाएगी और फिर सारी जिम्मेदारियाँ फेरी के ऊपर आ जाएंगी। ऐसी और भी अपडेट आपको मिलती रहेगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।